विद्यार्थीगण एवं प्राध्यापक गण का मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थीगण, आज की इस वर्चुअल कक्षा का विषय है अनुवाद स्वरूप और प्रक्रिया। ये पंचम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के अंतर्गत है और आधार पाठ्यक्रम में भी है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं ध्यान से इसको सुनेंगे, जो बातें नोट करने की हो बीच में नोट करें, क्योंकि इसी में से बीच बीच में प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस वर्चुअल कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि अनुवाद है क्या। अनुवाद अनुपसर्ग है उसमें और वद धातु है। अनु का मतलब होता है बाद में या पीछे से, और वद का अर्थ होता है कहना। तो अनुवाद का अर्थ हुआ कही हुई बात को फिर से कहना। माने अनुवाद में एक ऐसी बात है जो पहले कही जा चुकी है और उसी बात को अनुवादक फिर से कहता है। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ अनुधन वद, कही हुई बात को फिर से कहना। तो एक तरह से इसका अर्थ हुआ पुनरावृत्ति, माने कही हुई बात को फिर से कहना, पुनरावृत्ति। और अंग्रेजी में इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और अनुवाद को आगे स्पष्ट करते हैं, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों व्यक्त कर देना अनुवाद है। एक अनुवाद की सामान्य परिभाषा हो सकती है कि जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो वहां प्रमुखतः दो भाषाएं सामने आती हैं। तो एक भाषा में जो भाव या विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हीं भावों विचारों को ज्यों का त्यों अनुवादक दूसरी भाषा में व्यक्त कर देता है और इसी प्रक्रिया को अनुवाद नाम दिया गया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अनुवाद में दो भाषाएं हैं और एक भाषा में जो भाव या विचार हैं उन्हीं भावों विचारों को दूसरी भाषा में अनुवादक को व्यक्त करना होता है। आगे देखें, यहां अनुवाद के संबंध में जो परिभाषा देखी या अनुवाद को समझने का जो प्रयास किया उसमें ये बातें महत्वपूर्ण सामने आती हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि कही हुई बात, एक बात पहले से जो कही जा चुकी है वह मूल पाठ के रूप में हमारे सामने होती है और अनुवादक क्या करता है उस कही हुई बात को समझ लेता है। तो पहले जरूरी है कही हुई बात वहां हो, मूल पाठ हो, और उसके बाद अनुवादक के लिए आगे का जो कार्य है कि उस कही हुई बात को अच्छे से समझ ले। और उस बात को समझने की प्रक्रिया में विषय भी आता है, भाषा में जो बात कही गई है उसका कोई न कोई विषय है, तो अनुवादक को उस विषय की भी जानकारी हो। और भाषा और कथ्य, जब हम भाषा और कथ्य की बात करते हैं तो दोनों भाषाओं की बात करते हैं, जो मूल भाषा है वह भाषा और जिस भाषा में अनुवाद करना है वह भाषा, इन दोनों की बात यहां करते हैं। तो अनुवाद के संबंध में ये बातें नोट कर लें, एक बात ऐसी है जो पहले कही जा चुकी है उसी का अनुवाद करना है,
और अनुवाद करने से पहले उस कही हुई बात को अच्छे से समझना है, उस विषय को समझना है, उस भाषा को अच्छी तरह से समझना है, तभी हम अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकते हैं। अब अनुवादक के गुण क्या क्या होने चाहिए, एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं? तो जैसा हमने पहले अभी देखा कि अनुवाद में दो भाषाओं का होना आवश्यक है, तो यहां पे अनुवादक का पहला गुण ये होगा कि उसको दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान हो। ये पहली शर्त है अनुवादक के लिए, और दोनों भाषाओं के विषय का ज्ञान हो। उदाहरण के लिए अगर कोई विषय जिसका आप अनुवाद करने जा रहे हैं वह विषय दर्शन शास्त्र का है, तो आपको जैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो दर्शन शास्त्र की भी जानकारी आपको हो, विषय के रूप में दर्शन की जानकारी भी हो, और दोनों भाषाओं का भी आपको ज्ञान हो, तब आप अनुवाद कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अनुवादक के लिए कि दोनों भाषाओं की संस्कृतियों का जरूरी है। यहां विद्यार्थीगण ध्यान दें कि भाषा और संस्कृति ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम अनुवाद की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो वहां पर जैसे ही भाषा आती है संस्कृति भी अपने आप आ जाती है। तो दोनों भाषाओं का ज्ञान, विषय का ज्ञान और दोनों भाषाओं की संस्कृतियों का ज्ञान जरूरी है। एक उदाहरण से ये संस्कृति वाली बात स्पष्ट होगी। जैसे हम कहें कि तुलसीदास वाज ए ग्रेट, अब ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानता उसका अनुवाद करेगा कि तुलसीदास एक महान कवि था, लेकिन जो भारतीय संस्कृति को जानेगा अनुवादक वह उसका अनुवाद करेगा तुलसीदास एक महान कवि थे, क्योंकि वह इस बात को जान पाएगा कि भारतीय संस्कृति में जब हमें किसी को सम्मान देना होता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। मेरे विचार से ये बात स्पष्ट हो गई। अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान आवश्यक है और दोनों भाषाओं की संस्कृतियों का ज्ञान भी आवश्यक है। अनुवाद को आगे देखें। पहले परिभाषा में ये बात कही गई थी कि एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों व्यक्त कर देना अनुवाद है। तो ये इस शब्दांश पर, शब्द पर ध्यान दें, पदबंध पर, ज्यों का त्यों। अनुवाद में ज्यों का त्यों व्यक्त कर देना महत्वपूर्ण है, माने मूल भाषा में जो बात कही गई है वह ज्यों की त्यों बात दूसरी भाषा में आनी चाहिए। अनुवादक को न अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ना है न उसमें से कुछ घटाना है, जो बात कही गई है उसी बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना है। मूल पाठ के प्रभाव के साथ व्यक्त कर देना। अब यहां मूल पाठ से मतलब जिसका अनुवाद आप कर रहे हैं वह मूल पाठ है, तो मूल पाठ को पढ़ते समय जो प्रभाव आपके मन में पैदा हो रहा है, जब अनुवादक उस पाठ का अनुवाद दूसरी भाषा में कर दे तो दूसरी भाषा में उस पाठ को पढ़ते हुए भी वही भाव पैदा होना चाहिए जो मूल पाठ को पढ़ते समय होता था। अगर अनुवादक ऐसा कर पाता है तो वो एकदम उपयुक्त और सही अनुवाद माना जाएगा। तो दो बातें महत्वपूर्ण नोट करें, अनुवाद में ज्यों का त्यों अनुवाद करना है, अनुवादक को अपनी तरफ से न कुछ उसमें जोड़ना है और न अपनी तरफ से कुछ उसमें से घटाना है, और मूल पाठ का जो प्रभाव है वही प्रभाव दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो वही प्रभाव उस भाषा को पढ़ते समय उत्पन्न होना चाहिए। ये बातें अनुवाद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखें, अनुवाद वास्तव में कला है, अभ्यास से सिद्ध होती है।
एक दिन में कोई व्यक्ति अनुवादक नहीं बन सकता। अनुवादक बनने के लिए या अनुवाद के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहली है स्रोत भाषा, अंग्रेजी में कहेंगे सोर्स लैंग्वेज, और दूसरी है लक्ष्य भाषा, और उसे कहेंगे टारगेट लैंग्वेज। तो ये दो भाषाएं, स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज का अर्थ होता है वह भाषा जिसमें मूल पाठ निहित है, जिसका अनुवाद आपको करना है, वह स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। और जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है वह भाषा लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। तो दोनों बातें जाननी जरूरी है। एक बार फिर से देखें कि स्रोत भाषा का मतलब कि मूल भाषा जिसका आप अनुवाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी का पाठ स्रोत भाषा, हिंदी जो मूल पाठ जिस भाषा में है हिंदी में, वह स्रोत भाषा कहलाएगी, और अंग्रेजी में अगर आप कर रहे हैं उसको तो अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। तो मूल पाठ जिस भाषा में है वह स्रोत भाषा हो गई, और जिसमें आपको अनुवाद करके ले जाना है वह लक्ष्य भाषा हो गई। आगे देखें, अब अनुवाद कई तरह के होते हैं। शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद। नोट कर लें, शब्दानुवाद और भावानुवाद, छायानुवाद और सारानुवाद। आगे देखें, अनुवाद के तीन और भेद हैं, व्याख्यानुवाद। अगला भेद आशु अनुवाद, और अगला भेद रूपांतरण अनुवाद। तो ये अनुवाद के भेद एक बार फिर से देख लें, शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु अनुवाद और रूपांतरण अनुवाद। अब इन सभी भेदों को एक एक करके स्पष्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है शब्दानुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। शब्दानुवाद के अंतर्गत स्रोत भाषा, समझ गए होंगे स्रोत भाषा का मतलब, जिसमें से अनुवाद, जिसका अनुवाद आप कर रहे हैं। तो शब्दानुवाद के अंतर्गत स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में यथावत माने ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। यहां महत्वपूर्ण है शब्दानुवाद में कि शब्द के स्थान पर शब्द का अनुवाद। साहित्य आदि के विषय में अगर आप शब्दानुवाद करते हैं तो वो अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता। कहीं पारिभाषिक शब्दावली का अनुवाद करना है या कुछ तकनीकी प्रकृति के विषय है वहां तो शब्दानुवाद चल सकता है, लेकिन शब्द के स्थान पर शब्द रखना अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता। आगे देखें भावानुवाद, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है वहां पर शब्द का अनुवाद कर रहे थे एक एक शब्द का, यहां पर जो विषय है उसके भाव को समझते हैं और उस भाव का अनुवाद करते हैं भावानुवाद में। तो भावानुवाद में अनुवादक मूल भाषा की विचार सामग्री या भावधारा पर ध्यान केंद्रित कर उसका अनुवाद करता है। जो मूल सामग्री आपके पास है जिसका आपको अनुवाद करना है उसका पूरा भाव समझ लिया आपने अच्छी तरीके से और फिर उसका भाव का अनुवाद कर लिया। ये शब्दानुवाद से पूरी तरह से भिन्न है। वहां शब्द का अनुवाद कर रहे थे शब्द की जगह पर शब्द, और यहां पर पूरे विषय का भाव समझा और उस भाव का अनुवाद कर दिया भावानुवाद के अंतर्गत। अगला है छायानुवाद। छायानुवाद मूल भाषा से पूरी तरह बंधा हुआ होता है, उससे अलग नहीं हो सकता। जैसे भावानुवाद में तो हम पूरा पाठ पढ़ लिया और उसके भाव का अनुवाद कर दिया, लेकिन छाया अनुवाद में ये बात नहीं है।
छाया अनुवाद मूल जो पाठ है, मूल भाषा है, उससे पूरी तरह से जुड़ा रहता है और उसकी छाया में लक्ष्य भाषा में विषय को प्रस्तुत किया जाता है। माने जो लक्ष्य भाषा है उसके ऊपर जो स्रोत भाषा है उसकी छाया दिखाई देती, इसीलिए उसको छाया अनुवाद कहते हैं। आगे स्पष्ट होगा। संस्कृत के नाटक जिन लोगों ने पढ़े होंगे वो जानते हैं, वहां पर जहां कहीं प्राकृत का अंश दिया गया है तो वहीं पर उसका संस्कृत का छाया अनुवाद भी दिया गया होता है। तो ये छाया अनुवाद का मतलब हो गया कि लक्ष्य भाषा का जो अनुवाद किया है उसके ऊपर स्रोत भाषा की छाया दिखाई दे, ऐसा लगे कि उसी से अनुवाद किया है और ये मूल जो टेक्स्ट है, मूल पाठ है, उससे ये पूरी तरह से जुड़ा रहता, उससे अलग नहीं होता। आगे देखें, सारा अनुवाद, सार जानते हैं, निष्कर्ष, उसका निचोड़। सारा अनुवाद के अंतर्गत मूल भाषा की सामग्री का संक्षिप्त अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। माना स्रोत भाषा में माने एक या दो पेज की सामग्री है, मूल पाठ है, और जब आप लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद करेंगे तो उसके सार का, उसका जो मूलभूत तत्व है, केवल उसका अनुवाद सारा अनुवाद के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर देख लें कि जब हम अनुवाद कर रहे हैं, कोई भी अनुवाद है, वहां दोनों भाषाओं का जो विषय है, अभी बताया जैसे दर्शन का अनुवाद करना है तो दर्शन की जानकारी अपेक्षित है, दोनों भाषाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए और दोनों भाषाओं की संस्कृतियों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, अनुवादक को होना चाहिए। अगला अनुवाद है व्याख्यानुवाद। जैसा कि शब्द में ही, शब्द से ही स्पष्ट है, व्याख्या करते हैं इस अनुवाद में, तो व्याख्यानुवाद में मूल भाषा माने स्रोत भाषा, जब हम मूल भाषा कह रहे हैं उसका अर्थ है स्रोत भाषा, व्याख्यानुवाद में मूल भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में व्याख्या सहित अनुवाद किया जाता है। मूल पाठ की एक तरह से व्यापक विशद व्याख्या इस अनुवाद में कर देते हैं। स्रोत भाषा की सामग्री की व्याख्या कैसे करते हैं? जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें प्रमाण देने पड़ेंगे, उदाहरण भी देने पड़ेंगे, तो व्याख्यानुवाद में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। स्रोत भाषा की सामग्री की व्याख्या अपेक्षित प्रमाणों तथा उदाहरणों के साथ इस अनुवाद के अंतर्गत की जाती है। लोकमान्य तिलक ने गीता का अनुवाद किया है, उनका वह अनुवाद इस शैली के अनुवाद के अंतर्गत रखा जा सकता है, यह अनुवाद व्याख्यानुवाद कहलाएगा। व्यापक विशद व्याख्या गीता की लोकमान्य तिलक ने की है। आगे देखें आशु अनुवाद। कई बार ऐसा होता है कि अनुवादक का कार्य तो ऐसा होता है, अपने कक्ष में अनुवादक बैठा है, कोई शब्द अगर उसको नहीं आता है तो कोश से देख लेगा, और कई जगह स्रोत है वहां से उस शब्दों के अलग अलग अर्थ पता कर लेगा। लेकिन जो आशु अनुवाद करता है दुभाषिया, दुभाषिये के पास इतना समय होता ही नहीं है कि वो डिक्शनरी कंसल्ट करे, कोश को देखे। एक तरह से हम कहेंगे ये तात्कालिक अनुवाद होता है, जैसे कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं से भाषण दे रहा है और जिस देश में वो गया है वहां की भाषा जानता नहीं है, तो एक ऐसा दुभाषिया तलाशा जाएगा जो दोनों भाषाओं को जानता हो। तो जैसे ही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बात कहेगा, दुभाषिया तत्काल उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करेगा। तो ये जो दुभाषिया है उसके द्वारा जो तत्काल अनुवाद किया जाता है वह आशु अनुवाद कहलाता है। आशु का मतलब ही होता शीघ्र, वहां सोचने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, जैसे ही बोला गया तुरंत उसका अनुवाद करना रहता है। और इस तरह के जो अनुवादक हैं जॉब की दृष्टि से भी बहुत उनकी मांग है, और इस तरह का अनुवादक बनने के लिए बहुत अध्ययन और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अगला है रूपांतरण अनुवाद। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में केवल शब्द और भाव ही अनुवाद नहीं किए जाते, अपितु प्रतिभा से मूल रचना को पूरी तरह बदल दिया जाता है। अब देखें, रूपांतरण का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पूरी तरह से बदल देना।
तो रूपांतरण जो अनुवाद है वो मूलतः होता है साहित्यिक कृतियों का। शीला शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, उस राग दरबारी का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। तो जिन लोगों ने राग दरबारी पढ़ा है वो जानेंगे कि वहां पे स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ है बहुत ज्यादा। अब जब अनुवादक ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो उसने ये ध्यान रखा है कि जहां पर हिंदी की बोली का प्रयोग किया गया है राग दरबारी में, उसके अनुवाद में अंग्रेजी की डायलेक्ट, अंग्रेजी की बोली का प्रयोग किया गया। तो रूपांतरण अनुवाद में चूंकि राग दरबारी तो यहां लिखा गया, अगर उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, इंग्लैंड में किया गया, तो देश काल परिस्थिति सब बदल गई, पात्रों के नाम बदल गए। एक उदाहरण यहां आप देख लेंगे किस तरह से ये रूपांतरण अनुवाद हुआ है। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, और उसका उन्होंने नाम कैसे बदल दिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी में नाम है, उन्होंने बदल दिया दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन, ये उन्होंने नामकरण कर दिया। तो रूपांतरण हो गया, पूरा नाम का ही रूपांतरण हो गया। और जिन लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है वो जानते हैं कि उसमें कुछ पात्र है, एंटोनियो है, वेसानियो है, पोर्शिया उसकी नायिका है, और उसका खलनायक है शाइलॉक। तो ये चारों नाम भारतेंदु ने जब उसका अनुवाद किया हिंदी में तो नाम बदल दिए, उसका भारतीयकरण कर दिया, उसका नाम एंटोनियो को आनंद कर दिया, फिर वैसानियो को बसंत कर दिया, पोर्शिया को पुरुषी कर दिया, शाइलॉक को कैला। तो ये जो इस तरह से रूपांतरण का मतलब है, किसी साहित्यिक कृति का अनुवाद जब दूसरी भाषा में कर देते हैं और वो रचना किसी दूसरी भाषा और दूसरी संस्कृति की है, तो अपनी भाषा और संस्कृति में संगत बैठाने के लिए, उसके अनुरूपता बैठाने के लिए रूपांतरण अनुवाद कर दिया जाता है। अब ये अनुवाद के भेद समाप्त हो गए, अब आते हैं अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद करें कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत दो बातें जो आप देख रहे हैं, पहला जो चरण आता है वह है अर्थ ग्रहण, और दूसरा आता है, दूसरा चरण अनुवादक के लिए संप्रेषण। अर्थ ग्रहण का मतलब क्या हो गया, अनुवादक अनुवाद किसका करेगा, स्रोत भाषा में जो सामग्री है उसका अनुवाद करेगा। उसका अनुवाद कब कर पाएगा, जब उसके अर्थ को समझ पाएगा तभी तो कर पाएगा। तो अर्थ ग्रहण का मतलब है कि अनुवादक ने स्रोत भाषा के पाठ को अच्छी तरह से समझा, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को और पूरी रचना को अच्छे से समझा, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे यह अर्थ ग्रहण है। अगर अर्थ ग्रहण में कोई कमी रह गई तो संप्रेषण माने उस बात को दूसरे तक पहुंचाने में भी कमी रह जाएगी। तो पहला चरण अनुवादक को अच्छी तरह से ये करना चाहिए, अर्थ ग्रहण माने जो स्रोत भाषा का मूल पाठ है उसको अच्छी तरह से आत्मसात करना, उसको कई बार पढ़ना, एक भी शब्द ऐसा नहीं रह जाए जो जिसका अर्थ आप जानते नहीं, तो वो हो गया अर्थ ग्रहण। और अगला चरण हो गया उस अर्थ को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित कर देना या व्यक्त कर देना। देखें अर्थ ग्रहण को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, मूल पाठ के अर्थ को समझना। अर्थ ग्रहण में सबसे पहले क्या आता है, मूल पाठ जब आप पढ़ रहे हैं, स्रोत भाषा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो शब्द ही आएंगे भाषा में, तो सबसे पहला प्रक्रिया होगी शब्द बोध, एक एक शब्द की जानकारी आपको हो गई। अगर कोई शब्द आपको नहीं आता है तो कोश की सहायता से, डिक्शनरी की सहायता से उसका अर्थ आपने देख लिया। तो अर्थ ग्रहण में पहला जो चरण हो गया वो हो गया शब्द बोध, एक एक शब्द की जानकारी आपको हो गई, और उस पाठ को हम बार बार पढ़ेंगे। जटिल शब्द अगर उस पाठ में है स्रोत भाषा में तो उसके अर्थ भी हम शब्द कोश में से खोज लेंगे, तो ये अर्थ ग्रहण के अंतर्गत आएगा, उस पाठ को बार बार पढ़ना और जटिल शब्द हैं उनके अर्थ भी कोश में से निकाल लेना, अच्छी तरह से उस स्रोत भाषा के पाठ को पढ़ना ही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत है। एक उदाहरण देख लें, आपको दिखाई दे रहा है इस अर्थ ग्रहण की बात आती है। पहला वाक्य है इसमें,
आई मे गो टू दिल्ली टुनाइट, यू मे गो नाउ, दो वाक्य अंग्रेजी के। तो यहां पे अंग्रेजी स्रोत भाषा हो गई एक तरह से, क्योंकि इसका अनुवाद हमको उसमें करना है, हिंदी में करना है। तो पहला जो वाक्य है आई मे गो टू दिल्ली टुनाइट, इसमें इसमें मे का प्रयोग है, और दूसरा वाक्य है यू मे गो नाउ, यहां भी मे का प्रयोग है। तो जो अर्थ ग्रहण की बात हो रही है, एक एक शब्द को समझने की बात हो रही है, वहां महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों वाक्यों में मे के प्रयोग को अच्छी तरह से समझें। पहला जो वाक्य है आई मे गो टू दिल्ली टुनाइट, यहां पे मे जो शब्द है संभावना व्यक्त कर रहा है, हो सकता है आज रात में दिल्ली चला जाऊं, उसका अर्थ ये हुआ। लेकिन दूसरा जो वाक्य है यू मे गो नाउ, यहां जो वक्ता है और जिससे ये कह रहा है, यहां पर वक्ता की नाराजगी भी दिखाई दे रही है कि यहां से चले जाओ, दफा हो जाओ, खड़े मत रहो। तो एक वाक्य में संभावना व्यक्त कर रहा है और दूसरे वाक्य में क्या व्यक्त कर रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है, क्रोध व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर जब हम अनुवाद करेंगे तो जो अर्थ ग्रहण की बात आ रही है, अर्थबोध की बात आ रही है, एक एक शब्द को समझने की बात आ रही है, उसको समझने का तात्पर्य यह है कि स्रोत भाषा के एक एक शब्द को समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और नहीं समझ आता है तो कोश में जैसे उसके अर्थ को नोट करेंगे आगे। और इसी प्रक्रिया में उदाहरण देखें, माई ब्रदर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर दुबे, ये वाक्य है। दूसरा वाक्य देखेंगे, योर ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड, दूसरा वाक्य हो गया, नोट कर लें इसको। तीसरा वाक्य है योर ट्रीटमेंट ऑफ योर गेस्ट इज वेरी गुड, तीन वाक्य हैं आपके सामने और तीनों वाक्यों में ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन शब्द बोध के अंतर्गत, उसके अर्थ को समझने के अंतर्गत यह जानना जरूरी है कि तीनों वाक्यों में ट्रीटमेंट का अर्थ पूरी तरह से अलग अलग है। पहला देख लें, माई ब्रदर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर दुबे, यहां पर जो ट्रीटमेंट है उसका मतलब क्या है, उपचार, कि मेरा जो भाई है उसकी चिकित्सा, उसका इलाज डॉक्टर दुबे कर रहे हैं। तो वहां ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया, उपचार। दूसरा जो वाक्य है योर ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड, कि आपका जो विषय का प्रतिपादन है वो एक तरफा है, उसका अर्थ ये हो गया। तो दूसरा जो वाक्य वहां पर सब्जेक्ट के संबंध में ट्रीटमेंट का अर्थ हो गया प्रतिपादन, आपके द्वारा किया गया विषय का प्रतिपादन एक तरफा है। तो दूसरे वाक्य में क्या हो गया, ट्रीटमेंट माने प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन, पहले वाक्य में ट्रीटमेंट माने उपचार, इलाज या चिकित्सा, और तीसरा जो वाक्य है योर ट्रीटमेंट ऑफ योर गेस्ट इज वेरी गुड, माने आपके जो मेहमान हैं उनके साथ आपका व्यवहार है बहुत अच्छा है। तो ये जो शब्द बोध के अंतर्गत की बात है, मूल जो स्रोत भाषा के पाठ को बार बार पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसमें शब्द की छवियां कैसी कैसी हैं। इसी ट्रीटमेंट के तीन अर्थ है ना, अगर इसका हम एक किसी अन्य वाक्य में दूसरा कर दें, जैसे कि दूसरे वाक्य में अगर हम उपचार लगा दें कि आपके विषय का उपचार एक तरफ है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ ग्रहण में यही बात आती है, उसको अच्छे से समझना और जो सही अर्थ बैठता है उस शब्द का, उसी शब्द का चयन करना। तो जो मूल भाषा है, जो स्रोत भाषा है, उसको अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द की जानकारी लेना, और कोश में भी जब आप देखेंगे एक शब्द के लिए कई कई वहां पर प्रतिशब्द दिए रहते हैं, माने उसका अर्थ कई कई अर्थ कई कई शब्द दिए रहते हैं, तो उनमें से आपको वह शब्द ढूंढना है जो उसके अर्थ के सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा निकट बैठता हो। आगे देखेंगे, द ऑपरेशन डन बाई डॉक्टर इज सक्सेसफुल, पहला वाक्य। दूसरा देखें, द पुलिस ऑपरेशन इन दैट एरिया वॉज सक्सेसफुल, अब यहां ऑपरेशन दोनों वाक्यों में है, लेकिन दोनों वाक्यों में ऑपरेशन का अर्थ बिल्कुल अलग है। पहला जो वाक्य है द ऑपरेशन डन बाई डॉक्टर इज सक्सेसफुल का अर्थ होगा डॉक्टर को शल्य क्रिया में सफलता मिली,
द पुलिस दैट एरिया वाज सक्सेसफुल का अर्थ होगा उस इलाके में पुलिस कार्रवाई सफल रही। तो ऑपरेशन एक ही, इन वाक्यों की अर्थ की संरचना में दोनों के अर्थ अलग अलग हमें देखने पड़ेंगे। एक की जगह पर दूसरे का अर्थ लिख देंगे, दूसरा अनुवाद में लिख देंगे तो उस अर्थ का अनर्थ होगा। तो पहला जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझना और डिक्शनरी में से कठिन शब्द है उनको ढूंढ लेना और उनमें से वो शब्द ढूंढ लेना जो सबसे ज्यादा आपके अर्थ के निकट बैठता है, उसका चयन करना। अब इसी अर्थ ग्रहण की बात कर रहे हैं, पहला स्टेप है ये। तो अर्थ ग्रहण में जो आप स्रोत भाषा आपके सामने है उस स्रोत भाषा को अभी बताया कि एक एक शब्द देख लेंगे, उसका अर्थ नहीं आता है तो डिक्शनरी से देख लेंगे। कई कई छवियों वाले अर्थ हैं, उनमें से सबसे अच्छा वाला कौन सा ठीक लगता है आपको, उचित बैठता है, उसको उसका चयन कर लेंगे। तो पहला हो गया शब्द बोध। शब्द बोध का मतलब यही, उस स्रोत भाषा को बार बार पढ़ना, उसके शब्द के अर्थ को अच्छे से समझ लेना। जब हम शब्द के अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे तभी अगला जो इकाई है उस रचना की वो है वाक्य, तभी हम वाक्य के अर्थ को समझ पाएंगे। अगर शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाए तो फिर वाक्य के अर्थ को भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहला चरण है शब्द बोध अर्थ ग्रहण के अंतर्गत, दूसरा है वाक्य बोध। दो चरण आपने पूरे कर लिए, सारे शब्दों के अर्थ जान लिए, उचित अर्थ जान लिए, और जब आप शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर वाक्य का पूरा अर्थ भी आप समझ जाएंगे। जब आपने वाक्यों के अर्थ जान लिए अच्छी तरीके से तो ये मान के चलिए कि जो रचना है स्रोत भाषा का, जो टेक्स्ट है, जो मूल पाठ है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये अनुवाद का पहला स्टेप हो गया, पहला चरण। ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये जब अनुवादक ने कर ली उसके बाद आगे उसका अनुवाद किया जा सकता है। इसी अर्थ ग्रहण में शब्द के अर्थ की पूर्ण समझ ही शब्द बोध है। जैसे उदाहरण दिए थे आपको अभी ट्रीटमेंट का, ऑपरेशन का, तो उसका जो अर्थ है उसकी पूर्ण समझ शब्द बोध है। इसके बाद वाक्य बोध आता है। वाक्य की पूर्ण अर्थवत्ता माने उस वाक्य का पूरा जो अर्थ है उसको समझ लेना वाक्य बोध है। वाक्य बोध के बाद रचना बोध है। रचना को उसकी पूर्ण अर्थवत्ता माने समग्रता में समझ लेना वो रचना बोध कहलाता है। माने इन तीनों चरणों के माध्यम से स्रोत भाषा का जो पाठ है आपने पूरी तरह से समझ लिया। अब आप तैयार हो गए कि आप उसका अनुवाद दूसरी भाषा में, जिसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, उसमें कर सकते हैं। आगे देखें इसी अर्थ ग्रहण में, अच्छे अनुवाद के लिए रचना बोध अति आवश्यक है। बिना रचना बोध के आप अनुवाद करेंगे कैसे? रचना बोध से पहले दो स्टेप और हैं। वो स्टेप कौन से हैं? शब्द बोध है और वाक्य बोध है। तो दोनों बातें जब आपने कर ली, शब्द को समझ लिया, वाक्य को समझ लिया, तब ये बात सबसे पहले शब्द की समझ, शब्द के बाद उस अभी जो बताया वाक्य की समझ, और फिर ये दोनों बातें आपने समझ ली तो वो मूल पाठ का विषय जो है उस विषय की समझ भी जरूरी है। जैसे पहले ही उदाहरण दिया था कि अगर आप अनुवाद दर्शन विषय का कर रहे हैं या कि वाणिज्य विषय का कर रहे हैं तो वाणिज्य की और दर्शन की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। अब पहला जो कर लिया आपने, अब दूसरा चरण आता है अर्थबोध के बाद संप्रेषण। माने स्रोत भाषा की बात आपने अच्छे से समझ ली इन तीन चरणों के माध्यम से, तो अगला क्या है? जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि पहले कही हुई बात को हमने समझ लिया, अब हम उसको दूसरी भाषा में व्यक्त करने जा रहे हैं, तो उसी का नाम संप्रेषण है। संप्रेषण माने बात को आगे बढ़ाना, उसको पहुंचाना, कही हुई बात को फिर से कह देना। तो संप्रेषण क्या है? अर्थ ग्रहण की सफलता पर ही सफल संप्रेषण निर्भर करता है। अगर आपने अच्छी तरीके से अर्थ ग्रहण कर लिया है शब्द बोध, वाक्य बोध और रचना बोध की प्रक्रिया के माध्यम से, तब आप संप्रेषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या संप्रेषण है? देखें, यहां शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। शब्द की समतुल्यता क्या है? जैसे अभी जो वाक्य दिया था पुलिस ऑपरेशन, तो वहां पुलिस ऑपरेशन का मतलब है कि पुलिस की कार्रवाई, और डॉक्टर के अर्थ में दूसरा अर्थ थे, उसके अलग अलग अर्थ थे। तो शब्द की समतुल्यता का मतलब हो गया कि
स्रोत भाषा का जो शब्द है उसके समान लक्ष्य भाषा में ठीक ठीक शब्द कौन सा है, उस शब्द को हमको ढूंढना है। तो यहां पे मूल पाठ का एक शब्द है आपके पास, जो टेक्स्ट आपके पास मौजूद है स्रोत भाषा का, मूल पाठ के शब्द उसमें है, और उसी के समतुल्य शब्द हमको लक्ष्य भाषा में ढूंढने हैं। ये हो गया। जो देखें आगे, कई अर्थ छवियों वाले शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द का चयन हमें संप्रेषण के दौरान करना जरूरी है। जब आप स्रोत भाषा को देख रहे हैं तो उसका समतुल्य शब्द ढूंढ रहे हैं, तो वहां देखेंगे कई कई अर्थ छवियों वाले, एक ही के उसके कई कई शब्द वहां दिए हुए हैं, तो सबसे अच्छा सटीक जो शब्द आपको उसमें मिलता है स्रोत भाषा में वो आप उसमें से चुनेंगे। एक उदाहरण देख लें, इससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होगी। द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल बाई टेररिस्ट मस्ट बी कंडेम्ड। ये उदाहरण आपके सामने। यहां जो इनोसेंट, दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक है इनोसेंट और दूसरा है कंडेम्ड। तो इनोसेंट के डिक्शनरी में जब आप खोलने जाएंगे इतने सारे आपको वो मिलेंगे देखने। देखिए, इनोसेंट का मतलब है निर्दोष, निष्पाप, बेगुनाह, निष्कपट, अबोध, निरीह, सीधा, बेगुनाह आदि, और भी हैं, कमी लिखे मैंने इसमें। ठीक इसी तरह से जो कंडेम्ड है उसमें क्रिया, उसके भी कई अर्थ दिए हैं, निंदा करना, दोषी ठहराना, ग्रहणा करना, दंड देना, जब्त कर लेना, निराकरण करना, दंडाज्ञा देना, बुरा भला कहना आदि आदि। तो दो मुख्य जो शब्द हैं जिनका आपको अनुवाद करना है लक्ष्य भाषा में, उनके लिए सटीक शब्द ढूंढना इस प्रक्रिया के अंतर्गत जरूरी है। आगे देखें इसको, वही उदाहरण आपके सामने है। अब उसका अनुवाद जो किया गया वो देख लें। आतंकियों द्वारा निरपराध लोगों की हत्या की निंदा की जानी चाहिए, कंडेम तो निंदा की जानी चाहिए। अब वहां पर निंदा की जानी चाहिए कि कितने शब्द थे, देखिए 5-7 उसके पर्याय हैं, उनमें से हमने चुन लिया निंदा की जानी चाहिए। अब जो इनोसेंट के जो कितने अर्थ दिए थे, निर्दोष। अगर माना इसकी जगह पे ऐसा कर दें, इनोसेंट की जगह पे जो अनुवाद किया है आतंकियों द्वारा निष्पाप लोगों की हत्या की निंदा की जानी चाहिए, तो यह भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि वो लोग निरपराध हैं, कानूनन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। निष्पाप लिख देंगे तो अर्थ का अनर्थ इसलिए हो जाएगा कि पाप और निष्पाप होना तो नैतिकता की बात है, उन्होंने कभी जीवन में कोई पाप किया या नहीं किसने देखा, हो सकता है पाप किया हो, लेकिन वो लोग निरपराध हैं। तो ये जो आपने देखा, जो बात कर रहे थे संप्रेषण के दौरान, कई कई अर्थ छवियों वाले शब्द आपको मिलेंगे और उनमें से सही शब्द आपको चुनना है और उसको अनुवाद में लक्ष्य भाषा में लेकर के जाना। एक और उदाहरण देख लें। If you don't study hard, you pay in life. या देख लें उसका अनुवाद, यह तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तो तुम्हें जीवन में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहां पे पे जो शब्द है उसका अर्थ और भी हो सकता है, देख लें, चुकाना भी हो सकता है, अदा करना भी हो सकता है। तो अगर हम पे का अर्थ ऐसा लगा दें तुम्हें कुछ अदा करना, कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो अर्थ ठीक नहीं बैठेगा। तो अर्थ इसका ये हो गया कि हमें जो सबसे नजदीक अर्थ छवि वाला शब्द है उसी का चयन हमको इसमें करना है। जब हमने शब्द के लिए प्रतिशब्द चुन लिया और फिर अगला शब्द के बाद आता है वाक्य की समानार्थकता, शब्द का समानार्थी चुन लिया, अभी उदाहरण आपके सामने थे, जो ठीक ठीक शब्द था लक्ष्य भाषा में चुन लिया हमने। इसी तरह से फिर हम वाक्य के लिए भी समानार्थी वाक्य चुनेंगे। दोनों भाषाओं के शब्दों की ठीक समझ होनी चाहिए, दोनों भाषाओं के वाक्यों की ठीक समझ होनी चाहिए। कई बार इस बात को जान चुके, मूल पाठ के अर्थ की संपूर्ण अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में करना ही हमारा या अनुवादक का उद्देश्य होता है। यहां देखें, ये महत्वपूर्ण बात है, अनुवादक की निष्ठा अर्थ की अभिव्यक्ति के प्रति हो। जो स्रोत भाषा की रचना आपके पास है जिसका अनुवाद आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले निष्ठा अनुवादक के तौर पर हमारी क्या होनी चाहिए कि जो अर्थ है वही अर्थ जाए लक्ष्य भाषा में, न अपनी तरह से उसमें कुछ जुड़े, न अपनी तरफ से कुछ उसमें घट जाए।
दोनों भाषाओं की संरचना अलग अलग होती है, ज्यादातर होती है। जैसे हिंदी अंग्रेजी की संरचना तो बिल्कुल ही अलग है, भारतीय भाषाओं की संरचना उतनी अलग नहीं है, तो दोनों भाषाओं की संरचना भी ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अनुवाद करते समय जितने बड़े बड़े वाक्य आप का अनुवाद करेंगे और बड़े वाक्यों की संरचना लक्ष्य भाषा में लेकर के जाएंगे, उतना ही गलत अनुवाद होने की संभावना बढ़ेगी। तो अनुवाद के लिए एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि वाक्यों की संरचना छोटे छोटी हो, जितने छोटे वाक्य होंगे अनुवाद में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। एक देखें, एक उदाहरण आपके सामने है, गॉड इज लव, इसका इसी अंग्रेजी की तरह से तो ईश्वर प्रेम है अनुवाद कर दिया, लेकिन हिंदी की प्रकृति के अनुरूप अगर उसका अनुवाद करेंगे तो ईश्वर प्रेम रूप है, ये कहने का मतलब है, उसका भाव का अर्थ तो यही है कि ईश्वर प्रेम रूप है। ईश्वर प्रेम है ऐसा नहीं है, ईश्वर प्रेम है तो गॉड इज लव का बिल्कुल उसी तरह से अनुवाद जैसा शब्दानुवाद करते हैं वैसा अनुवाद किया गया। आगे देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरम इज मस्ट फॉर ए फॉर्मल मीटिंग, जो बात कह रहे हैं सही शब्द की जगह लक्ष्य भाषा में सही शब्द चुन लेना। अनुवाद आपके सामने, पहला अनुवाद किया है औपचारिक बैठक के लिए, वो कोरम का अर्थ होता है कि उस मीटिंग में जितने लोग चाहिए, हिंदी में उसके लिए शब्द है गणपूर्ति, तो गणपूर्ति इसलिए लिखा नहीं है क्योंकि अर्थ समझने में आपको दिक्कत आएगी, तो कोरम को कोरम ही लिख दिया है। तो औपचारिक बैठक के लिए कोरम का अस्तित्व आवश्यक होता है, ये तो उसमें लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोरम, उसका अनुवाद कर दिया कोरम का अस्तित्व, लेकिन ये हिंदी की प्रकृति से मेल नहीं खाता। हिंदी के प्रकृति के अनुसार जब अनुवाद करेंगे तो होगा औपचारिक बैठक के लिए कोरम आवश्यक होता है, लिखने वाले का मंतव्य भी यही है, वो यही कहना चाहता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अर्थ पूरा चला जाए, कई बार अनावश्यक शब्द जोड़ने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अनुवादक की पहली निष्ठा, स्रोत भाषा में जो अर्थ है वही अर्थ ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में जाना चाहिए। आगे देख लें उदाहरण, आई शैल गो विद यू टू द मीटिंग इफ यू कम ऑन टाइम, पहला देख लें, मैं आपके साथ बैठक में जाऊंगा अगर आप वक्त पर आ गए, ये उसी तरह उसी की छाया दिखाई दे रही है इस अनुवाद के ऊपर, इसमें हिंदी की प्रकृति नहीं है। हिंदी के प्रकृति के से अनुवाद करेंगे, अगर आप वक्त पर आ गए तो मैं आपके साथ बैठक में चलूंगा, ऐसा ही वाक्य बोलते हैं हिंदी में, पहला जो लिखा है उस तरह से वाक्य नहीं बोलते। तो ये ध्यान रखेंगे, भाषा की प्रकृति का ध्यान रखेंगे, उस भाषा का स्वभाव कैसा है, सारे वाक्य उसी स्वभाव उसी प्रकृति के अनुरूप होने चाहिए। आगे देख लें, एक और महत्वपूर्ण इसी प्रकृति के संबंध में उदाहरण है, रेफरिंग रेलवे मिनिस्टर्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनैप चाइल्ड श्री मोहन सेठ, इस वाक्य को ध्यान से देख लें। यहां पर पहला जो अनुवाद किया गया है, रेलवे मंत्री द्वारा अपहृत बच्चे के बारे में अपने वक्तव्य का हवाला देते हुए श्री मोहन ने कहा, प्रकृति का ध्यान नहीं है भाषा की, और इतना ही नहीं पदबंध का भी ध्यान नहीं है कि कौन सा पदबंध किसके निकट रखा जाना चाहिए। इसका पहला जो वाक्य देखते हैं उसका अर्थ क्या हो जाता है, रेलवे मंत्री द्वारा अपहृत किया गया बच्चा, जबकि बिल्कुल ही उल्टी बात कही गई है अनुवाद में या उसमें मूल वाक्य में। तो उसका सही अनुवाद होगा, अपहृत बच्चे के बारे में रेलवे मंत्री के वक्तव्य का हवाला देते हुए श्री मोहन ने कहा। तो जैसा अभी बताया था, अनुवाद का काम श्रम साध्य है, अभ्यास जन्य है, जितना आप अभ्यास करेंगे जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। आगे देखें, फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, दोनों भाषाओं के शब्दों की ठीक समझ, दोनों भाषाओं के वाक्यों की ठीक समझ और मूल पाठ के अर्थ की संपूर्ण अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में होना जरूरी है, यही अनुवादक का लक्ष्य होता है। फिर बता देते हैं, अनुवादक की निष्ठा अर्थ की अभिव्यक्ति के प्रति है, दोनों भाषाओं की संरचना अलग अलग होती है उसका भी ध्यान रखेंगे, तमाम सारी उदाहरण आपको दिए कैसे अनुवाद करना है, और छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करना अच्छा होता है, शब्द की जगह पर शब्द ढूंढेंगे, पहला शब्द किसका स्रोत भाषा का, प्रतिशब्द किसका लक्ष्य भाषा का, पहला वाक्य किसका स्रोत भाषा का, प्रतिवाक्य किसका लक्ष्य भाषा का, पहली रचना किसकी स्रोत भाषा की, प्रतिरचना किसकी लक्ष्य भाषा की। तो इस तरह से पहले जो लिखा शब्द वाक्य रचना, ये स्रोत भाषा के अच्छी तरह से समझ लेंगे शब्द बोध और अर्थ बोध के माध्यम से, फिर उसी को हम ले जाएंगे किसमें, शब्द वाक्य रचना के माध्यम से ले जाएंगे लक्ष्य भाषा में। यहां पर सार्थकता महत्वपूर्ण है, यह सार्थकता गहन अभ्यास से आती है, सही सही अनुवाद, सार्थक अनुवाद करना, सटीक अनुवाद करना, ये लंबे
है ये बात। स्रोत भाषा की रचना को पढ़कर जैसा अर्थबोध हो वैसा ही सहज अर्थबोध लक्ष्य भाषा की रचना को पढ़कर होना चाहिए, ये अनुवाद की कसौटी है। मूल भाषा का जो पाठ आपने पढ़ा है उसको पढ़कर जो आनंद आया है वैसा ही आनंद जब आपने अनुवाद किया है उस भाषा को पढ़कर भी वैसा ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ये अनुवाद की कसौटी है। सहज एवं व्यावहारिक अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं की प्रकृति, अभी उदाहरण दिए थे, प्रकृति का मतलब भाषा का जैसा स्वभाव है जैसा उसका नेचर है उसी के अनुरूप हमें अनुवाद करना है। और उदाहरण देख लें, आई हैव टू डॉटर्स, इसका अनुवाद अगर हम ऐसा कर दें मेरे पास दो बेटियां हैं, बिल्कुल गलत अनुवाद है, क्योंकि जो जीवित प्राणी है उसके लिए पास शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में करते नहीं, तो मेरी दो बेटियां हैं। इसी तरह से अगला वाक्य देख लें, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें, यहां ये गलत है, मेरी यहाँ ये वाक्य सही है, मेरी दो किताबें हैं, ये वाक्य गलत है। तो ये भाषा की प्रकृति को ध्यान में रख के हमें अनुवाद। और उदाहरण देख लें, आई हैव लॉस्ट माई पेन, यहाँ पे हैव जो लाल स्याही से लिखा गया है, लाल रंग से लिखा गया, वो आप देखें अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन हैव का प्रयोग सभी वाक्यों में अलग अलग तरीके से है। तो जब हम बात करते हैं भाषा की प्रकृति की जानकारी, मतलब भाषा की संरचना की जानकारी और भाषा का अपना स्वभाव अपनी प्रकृति कैसी है, ये तब जान पाते हैं जब दोनों भाषाओं का व्याकरण हमको अच्छे से आता हो, दोनों भाषाओं की संस्कृतियों की जानकारी हमको हो। तो ये उदाहरण आपको देख लें, हैव एक ही है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया है, आई हैव पास एम ए एग्जामिनेशन, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आई हैव पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में दर्द है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, यहाँ पे क्रिया के अर्थ में हैव का प्रयोग है। तो अलग अलग वाक्यों में हैव का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है, ये सारी बातें अनुवाद करते समय हमें बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अनुवाद करते हैं तो दोनों भाषाओं में कारक चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी में ये जिनको प्रीपोजिशन कहते हैं, हिंदी में वही के वही परसर्ग या पोस्ट पोजिशन हो जाते हैं। देख लें उदाहरण, राम का लड़का, यहां पे जो का कारक चिन्ह है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, और यहां पे देख लें सन ऑफ राम, यहां पे सन के बाद ऑफ आ रहा है। तो ये भाषाओं की प्रकृति की जानकारी हमको, संरचना की जानकारी हो। अगला उदाहरण देख लें, द बुक वॉज ऑन द टेबल, किताब मेज पर थी। आगे देखें ऑन का ही प्रयोग है अगले वाक्य में, आई विल विजिट हिम ऑन मंडे, ऑन एक ही है लेकिन हिंदी में उसके अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि हिंदी की प्रकृति अलग है और अंग्रेजी की बात कहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो कम से कम जब हम हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद करें तो इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। और उदाहरण देख लें, आई रीच्ड ऑफिस इन टाइम, मैं समय पर कार्यालय पहुंच गया, इनका प्रयोग देखें, आई मेट हिम इन हिज हाउस, यहां भी इनका ही प्रयोग है लेकिन दूसरे अर्थ में अलग तरह से प्रयोग है। अब देखें अनुवाद, तो हमने समझा पहले का अनुवाद है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, अब ये जाने अनुवाद का उसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य देख लें, दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, नित नई संकल्पनाएं सामने आ रही हैं, विज्ञान का इस तरीके से विकास हो रहा है, तो जो नई नई संकल्पनाएं दूसरी भाषाओं में है वो तभी आ पाएंगी हमारी अपनी भाषा में जब अनुवाद की प्रक्रिया होगी, जब अच्छे अनुवादक होंगे। दूसरी भाषा की शैलियों, मुहावरे, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति भी इसका उद्देश्य है, और विचार विनिमय, एक भाषा के जो विचार हैं दूसरे भाषा के लोग भी उस भाषा जान पाते हैं, ये अनुवाद का उद्देश्य है। और आगे देखें अच्छे अनुवादक की विशेषताएं क्या, या अच्छे अनुवाद की विशेषताएं नोट कर लें क्या होती हैं। अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल तथा प्रवाहमय होती है, साथ ही शाब्दिक समतुल्यता भी होनी चाहिए, जो अभी बहुत बातें की शाब्दिक समतुल्यता क्या है, शब्द से लेकर वाक्य से लेकर रचना तक की समतुल्यता की बात की। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कही हुई बात को ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए वह उत्तम कोटि का। अच्छा अनुवाद वही होता है कि जो स्रोत भाषा की बात है ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए। ये ज्यों की त्यों जब हम बार बार कहते हैं, एक भाषा की बात दूसरी भाषा में ज्यों की त्यों आ जाए, ये संभव है क्या? एक भाषा में जो बात कही गई है दूसरी भाषा में आ जाए, ये बहुत आसान काम तो नहीं है लेकिन असंभव काम भी नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि एक इत्र की शीशी आपके पास है और दूसरी खाली शीशी आपके पास है, और ये कहा जाए कि इस इत्र को आप दूसरी खाली शीशी में उलट दें और ध्यान रखें बिल्कुल भी सुगंध उड़नी नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम उसको पलटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे थोड़ी बहुत सुगंध उड़ेगी। अनुवाद के संदर्भ में भी यही बात है,
कि अर्थ थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, लेकिन अनुवादक का कर्तव्य यह है कि वह अर्थ कम से कम प्रभावित हो। अनुवाद के संबंध में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें और अनुवाद की विशेषताएं। अच्छे अनुवाद के लिए जरूरी है कि अनुवाद की भाषा में अगर कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है स्रोत भाषा में, तो लक्ष्य भाषा में जब आप उसका अनुवाद करें तो वहां भी उस भाषा की लोकोक्ति ले जाएं, उस भाषा का मुहावरा लेके आए, तो ज्यादा भाषा में प्रवाह आ जाता है। अच्छे अनुवाद की भाषा समझ में आने योग्य और सुबोध हो, ये तो पहली शर्त है। ऐसी भाषा में अनुवाद करके रख दिया जो समझ में ही नहीं आती तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। आगे देखें, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो, ये पहले बातें बताई जा चुकी हैं। दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बुनावट, पदबंध का प्रयोग, वाक्य का गठन, ये सारी समझ, इन सबकी समझ अनुवादक को होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ठीक ठीक अनुवाद करना संभव नहीं है। आगे देखें, अब समय चूंकि समाप्त हो रहा है तो हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं। कुछ अनुवाद के उदाहरण भी दिए थे, अब ये बताएं जरा। पहला प्रश्न है, अनुवाद का अर्थ क्या है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देना अनुवाद है, या अंग्रेजी की सामग्री को हिंदी में लिखना अनुवाद है, या शैली का अनुकरण करना अनुवाद है, या कि लिप्यांतरण करना? बताएं, अपना अपना माइक ठीक कर लें और बताएं अनुवाद का सही अर्थ क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5 मिनट का समय है, शीघ्रता करें और जल्दी से प्रश्नों को देखें और उत्तर दें। बताइए। हेलो, हाँ बताइए। पहला वाला, एक भाषा को की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। हाँ, कहाँ से बोले बेटा? खंडवा। खंडवा से, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न, सही उत्तर, अगला देखें। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जो चरण बताए थे आपको, उसमें पहला चरण कौन सा है? रचना बोध, वाक्य बोध, शब्द बोध, इनमें से कोई नहीं। सर, शब्द बोध। शब्द बोध, कहाँ से? खंडवा से ही? जी सर। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखें, ये कौन बताएगा आप लोगों में से? स्रोत भाषा किसे कहते हैं? सोर्स लैंग्वेज, स्रोत भाषा क्या है? बताएं, बताएं स्रोत भाषा क्या है। 2-3 बार ये बात हो चुकी है, स्रोत भाषा क्या है बताएं। शीघ्रता करें। स्रोत भाषा क्या है? हाँ बताइए, होशंगाबाद, पीजी होशंगाबाद से बताइए। किस भाषा का अनुवाद कर रहे हैं? जिस भाषा का अनुवाद कर रहे हैं वह स्रोत भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? अगला देखें प्रश्न, जिस भाषा में अनुवाद करके ले जाना। दोबारा बोले, जिस भाषा में अनुवाद करके ले जाना। वेरी गुड, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। कार्यालयीन अनुवाद क्या है? ये पूरे उस व्याख्यान को सुनने के बाद कोई विद्यार्थी बता सकता है अनुवाद क्या है? ये बात इसमें आई नहीं है, लेकिन उसमें छुपी हुई बात है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? उसके, हाँ बोलिए। जिस भाषा का प्रयोग कार्यालयीन भाषा में अनुवाद किया जाता है वो कार्यालयीन भाषा कहलाती है। ये तो ठीक है, कार्यालय में जिस भाषा का प्रयोग हो उसका अनुवाद किया जाए। देखिए, ये अनुवाद मूलतः केंद्र सरकार के कार्यालयों से जुड़ी हुई बात है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होता है संवैधानिक दृष्टि से, तो वहां पर कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो हिंदी अंग्रेजी में दोनों होते हैं, जैसे पब्लिक नोटिस है, परिपत्र है, ज्ञापन आदि है, उनको दोनों भाषाओं में अनुवाद करना होता है,
कुछ प्रक्रियात्मक साहित्य भी होता है जिसका अनुवाद दोनों भाषाओं में, तो ये जो कार्यालय में अनुवाद किया जाता है उसी को कार्यालयीन अनुवाद कहते हैं। आगे देखें, अनुवाद की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ये तो इसमें आ चुका है, अनुवाद की आवश्यकता क्यों है हमें? बताएं, बता सर, एक भाषा को दूसरी भाषा में समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, और स्पष्ट करें इस बात को। किसी भी भाषा का अर्थ समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में तमाम भाषाएं, उनमें जो जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति हो रही है, जो जो कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, उसको अपनी भाषा में लाने के लिए या हमारी भाषा की जो ज्ञान सामग्री है उसको दूसरी भाषाओं में ले जाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता। ठीक है, आगे देखें, अच्छे अनुवाद की विशेषताएं कौन बताएगा आप लोगों में से? क्या होता है अच्छा अनुवाद, बता दें। अच्छे अनुवाद की विशेषताएं, ये तो दो बार व्याख्यान में ये बात आई है कि ये अच्छा अनुवाद है। देवा से दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे बच्चे, बता सकते हैं? रीवा के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, खंडवा के भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, होशंगाबाद, बुरहानपुर, बताएं। प्रश्न का उत्तर देने से पहले नाम बताएं, कॉलेज का नाम जरूर। हेलो, हाँ, कॉलेज का नाम बताएं, अपना नाम बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी कन्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा। हाँ, बताएं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। हाँ, सरल सुबोध और प्रवाहमय होनी चाहिए। ठीक है, और हेलो सर, बस हेलो, हाँ, नेपानगर कॉलेज से। हाँ, बताएं, नेपानगर से। वाक्य का प्रयोग अच्छा होना चाहिए और अर्थ समझ में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अनुवाद के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो स्रोत भाषा की बात है, अभी किसी बच्चे ने बोला स्रोत नहीं होता, स्रोत है, स्रोत भाषा, सोर्स लैंग्वेज, तो स्रोत भाषा में जो बात कही गई है ज्यों की त्यों वही लक्ष्य भाषा में चली जाए, यही अच्छा अनुवाद है। उस दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान हो, दोनों भाषाओं की व्याकरण संरचना का ज्ञान हो, भाषा के यही अच्छा अनुवाद अनुवाद। चलिए, अनुवाद की परिभाषा जो सबसे प्रारंभ में आई थी, बता दीजिए क्या है अनुवाद सर? हाँ, बताइए। हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ, कही हुई बात को फिर से स्पष्ट रूप से कहना अनुवाद। ठीक है, भाषा में कही हुई बात, नाम बताएं, पहले नाम बताएं। सोनू उपाध्याय। हाँ, सोनू उपाध्याय, ये बताएं कि कही हुई बात वो कौन सी भाषा में कही हुई बात है? कोई भी भाषा में कही बात, जैसे इंग्लिश में कोई जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है कोई भाषा, उसी को अनुवाद बोलते हैं। कोई बात इंग्लिश में कही गई हो उसको हिंदी में अनुवाद करना अनुवाद ही कहलाता है। बताना, आपने बताया, लेकिन और ज्यादा इसको पारिभाषिक शब्दावली में इसको कह लें कि स्रोत भाषा में जो बात कही गई है उसको ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में व्यक्त कर देना अनुवाद कहलाता है। पूरे व्याख्यान में शब्द बार बार आए ना, स्रोत भाषा, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद की बात आई है, जो लोग इस विषय से जुड़े हैं, खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीए में हिंदी साहित्य लिया है, इस विषय को समझें और एमए अगर करें तो अंग्रेजी साहित्य में करें। जिन बच्चों ने अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर लिया है वे लोग अगर एमए करें तो हिंदी साहित्य में करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन से इस विषय के अध्ययन की बहुत सारी संभावनाएं बनती है, ऐसा बहुत कम बच्चे जानते हैं। जो हमारे परंपरागत रास्ते उन्हीं रास्तों पर चलते हैं और दोनों भाषाओं को अच्छे से न समझ पाने की वजह से रोजगार के बहुत सारे अवसर बंद हो जाते हैं। तो आज के इस व्याख्यान की परिणति इस रूप में हो कि बहुत से बच्चे प्रेरित हों और कम से कम दो भाषाओं के ऊपर मास्टरी हासिल करें और अनुवाद के क्षेत्र में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।